कन्या भ्रूण हत्या एक जटिल सामाजिक समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या करना और करवाना दोनों जघन्य अपराध है। वहीं इस दृष्टि से हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए बनाया गया PCPNDT एक्ट 1994 एक संवेदनशील अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या में भागीदार डॉक्टर एवं रिश्तेदार के लिए 3 साल का कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का दंड का प्रावधान है। चिकित्सक का मेडिकल लाइसेंस भी 5 साल के लिए रद्द किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर के अंदर की संरचना को देख पाने वाली हर मशीन जैसे अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी मशीनें, सिटी स्कैन, MRI, बी स्कैन मशीन जो कि भ्रूण का लिंग जानने के लिए सक्षम है, इसका PNDT पंजीकरण कराना अनिवार्य है। गोरखपुर जिले में इस एक्ट के अंतर्गत सैकड़ों संस्थाएं पंजीकृत हैं। एक्ट के नियम का सही पालन एवं मशीनों एवं इसका इस्तेमाल करने वाले सभी डॉक्टरों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर PCPNDT सेल के सदस्यों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान संस्थाओं को एक्ट के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं दस्तावेजों के सही रख रखाव नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही संस्थाओं का समय पर नवीनीकरण नहीं कराने एवं एक्ट का पालन नहीं करने के कारण उनका पंजीयन निरस्त किया जाता है। आपको बता दें, एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह आयोजित की जाती है। सभी कार्रवाइयों को सदस्यों के अनुमोदन के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन से ही की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, भ्रूण जांच के लिए सेक्स डिटरमिनेशन किसी भी लेबोरेटरी में ना हो, चाहे वो एमनियोसिंथेसिस से या DNA टेस्टिंग से या अल्ट्रासाउंड से इस तरह की टेस्टिंग ना हो जिससे कि सेक्स डिटरमिनेशन किया जाए। इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसको PCPNDT एक्ट कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है प्रीनेटल। बच्चा जब तो अर्ली स्टेज में जब उसका आकार नहीं बना रहता है तब उसके फ्लूइड्स को निकाल करके लेबोरेटरी में जांच हो जाती है, जिससे ये जांचें बहुत इस तरह की फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि किसी बच्चे को कंजनेटल बीमारी हो रही हो तो इन जांचों से उसको पता चल जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होने की संभावना रहती है। और अल्ट्रासाउंड जो बहुत सारी बीमारियों की जांच करता है वो उसका दुरुपयोग सेक्स डिटरमिनेशन में भी किया जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए PCPNDT भारत सरकार ने PCPNDT एक्ट बनाया है, जिसमें अगर किसी भी तरह से अगर ये एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, ये मशीनें जो हैं हमारे वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनको हम दुरुपयोग ना करें, उसके लिए रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ सर आप लोगों के द्वारा कोई टीम बनाई गई है जो लगातार लोगों के खिलाफ जांच करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे? ये हमारे लिए हमारे से जांच नहीं होती है, हम टीम के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये इसका प्राधिकृत अधिकारी जो है जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और वो अपने पावर को SDM को या किसी को भी डेलीगेट कर देते हैं जो कि लिखित रूप से डेलीगेट होता है। उसके पार्ट हम भी हो सकते हैं, लेकिन ये टोटल पावर किसी भी के खिलाफ कार्रवाई करने का कुछ करने का पावर जो है जिला मजिस्ट्रेट के पास होता है। सर, अभी यहाँ पे गोरखपुर में सर इस तरह की कोई अभी तक शिकायत सुनने में आई है जो इस तरह का गलत जांच कर रहे हैं? अभी कुछ ऐसी शिकायतें आती रही हैं जिससे कि अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो सील कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई सेक्स डिटरमिनेशन जैसी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। वो तो कुछ अल्ट्रासाउंड मशीनें जो अन रजिस्टर्ड रहीं उससे लोग अल्ट्रासाउंड करते रहे हैं, तो उनकी जब जांच की गई तो उनको सील कर दिया गया, लेकिन सेक्स डिटरमिनेशन की इस तरह की कोई भी घटना हमारे ज़िले में नहीं आई है। सर, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए कल VC में आप लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे?
हाँ, हम लोग बीच बीच में इन अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच करते रहे, वो भी जिला मजिस्ट्रेट के लिखित निर्देश के बाद हम कर सकते हैं उसको, और क्योंकि इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो तो बीच बीच में टीमें जाकर के जांच करते रहते हैं, जितने एसडीएम होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं और हमारे भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जाकर के देखते हैं, अगर कुछ गलती पाई जाती है तो मशीनों को सील किया जाता है।